लोग ने आपको ये कहा था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मैं चाहूंगा कि मीडिया के सामने आप उसका नाम लीजिए, क्या कि पावर स्टार पवन सिंह जी की छवि को खराब किया जा रहा है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप रोइए मत, क्योंकि महिला का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में कितना ज्यादा किया जाता है आप जानती हैं अच्छी तरह से। आप रोइए मत, जो लोग ने ऐसा बोला है आप उनका नाम बताइए, ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द सरकार भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और पावर स्टार पवन सिंह जी भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कराए जल्दी से जल्द। हाय दोस्तों, मैं गुडरा 777 और आप देख रहे हैं BFC न्यूज भोजपुरी फैंस क्लब। आज हमारे साथ है भोजपुरी की बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट जो मॉडल है, दिल्ली से चल करके आई है, पावर स्टार पवन सिंह जी की बहुत बड़ी फैन है और इनके हाथों पे टैटू भी आपको देख रहे होंगे आप लोग। मैं चाहूंगा कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा एकदम जूम कीजिए और दिखाइए इनका पूरा टैटू, और देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी की कितनी बड़ी फैन है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी का फोटो में पावर स्टार पवन सिंह जी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये टैटू बनाने में इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं जो भी हमें देख रहे हैं सबको नमस्ते मेरे तरफ से। मैं पंजाब की रहने वाली अमृतसर की, मैं पंजाब से आई। अच्छा, हमने सुना है कि आप भोजपुरी गानों में मॉडलिंग भी करती हैं। जी मैं मॉडलिंग करती हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है? अभी हमें सुनने में आ रहा है पावर स्टार पवन सिंह जी से मिलने के लिए आई थी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ पटना आने के बाद आपको बहुत भला बुरा भी कहा गया है कि पावर स्टार पवन सिंह जी से मिलना है तो आपको पहले हमारे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ये सब क्या मामला है? जी बिल्कुल सही बात है, जो मैंने बोला है बिल्कुल सही बोला है। अगर कॉम्प्रोमाइज करके अगर मिलना होगा मुझे तो मैं पवन सर से ना मिल के उसे फोटो में देख के मैं खुश हूँ। अच्छा, घर से जब आप निकले थे तो उस टाइम में क्या सोच करके आए थे कि मैं पावर स्टार पवन सिंह जी को पटना में मिलूंगी? जी जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश थे, और सभी मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि बेटा जा रहे हो चलो मिल के, बेशक कुछ मिले या ना मिले तुम्हें खुशी मिल जाए, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो मैं घर से बहुत खुश आई थी, मुझे नहीं पता था कि पटना आने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर बदनामी जो लगनी थी सो तो लग गया है। अच्छा, ये कब आपने टैटू जो पावर स्टार पवन सिंह जी का कब बनवाई थी? जी ये टैटू मैं हाल ही में बनाई हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, अभी 3 महीने 3.5 महीने हो गए। ये टैटू आपने सोमिया पोखरेल को देख करके तो नहीं बनाया कि वो टैटू बनवा करके खेसारी लाल जी का, पवन जी का नाम लेकर के वायरल हो गई तो चलो मैं भी वायरल हो जाऊँ? देखिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी का नाम या किसी का फोटो लेके मैं आगे बढ़ूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं एक मॉडलिंग करती हूँ, मैं मॉडल हूँ, मैं वैसे भी आगे बढ़ जाना था तो मैं इतनी 1000 सुई क्यों घुपाना था अपने शरीर में, तो ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं इसलिए बनाई हूँ टैटू क्योंकि जब सोमिया पोखरेल मतलब टैटू बनवाई थी तो उसने बोला था मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ, कौन है पवन सिंह, तो मुझे बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुआ था, क्योंकि आप किसी से इतना प्यार करो, आप किसी का ज़्यादा दीवाना हो, अगर आपके सामने में कोई उसका बुराई करेगा तो आपको कैसा फील होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और उसी गुस्से में मैंने भी बना लिया। अच्छा, ये आपने गुस्से में बनाया या आप दिल से पावर स्टार पवन सिंह जी को अपनी फेवरेट मानती हैं? दिल से मानती हूँ, इसीलिए तो बनाई हूँ। अच्छा, अगर ये इस वीडियो को सोमिया पोखरेल देख रहे हो तो उसको क्या कहना चाहिए कि आप खेसारी लाल जी को जानती हैं कि नहीं जानती? देखिए सोमिया पोखरेल अगर देख रहे तो मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि बहन जो भी तुमने मतलब बोला है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर हम शिव जी को देखते हैं तो हमें राम जी को नहीं भूलना चाहिए, किसी का दिल दुखाने का हमें कोई हक नहीं है, हमें किसी ने कोई हक नहीं दिया किसी का हम दिल दुखाएं। अगर आपको मतलब इतनी इज्जत नहीं देना था पवन सर को तो ना देते, बोल देते कि हाँ मैं उसको जानती हूँ पर मुझे वो पसंद नहीं है, पर किसी को आप मुँह के सामने मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको कि मैं बिल्कुल ही नहीं जानती हूँ, खुद का आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचा गिराना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो लोग ने आपको ये कहा था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मैं चाहूंगा कि मीडिया के सामने आप उसका नाम लीजिए, क्या कि पावर स्टार पवन सिंह जी की छवि को खराब किया जा रहा है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कैसे करेंगे? क्यों नहीं नाम लेना चाहती आप? डर रही हैं क्या उनसे? क्या कर लेंगे वो आपका? आप यहाँ से घर चले जाएंगे और उनसे लड़ने की बात रही तो हम लड़ लेंगे उनसे। देखिए बात वो नहीं है, मैं बहुत, मेरी बहुत छोटी फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा है, 2 भाई बहन है, बस हम छोटी है, फैमिली क्या है। लगता है वो आपके जो लोग ऐसा बोले हैं वो आपके घर पे पहुंच जाएंगे क्या? जी मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जिसको जो अच्छा लगा बोल दिया, मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है, बस
दुख इस बात सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप रोइए मत, क्योंकि महिला का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में कितना ज्यादा किया जाता है आप जानती हैं अच्छी तरह से। आप रोइए मत, जो लोग ने ऐसा बोला है आप उनका नाम बताइए, ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द सरकार भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और पावर स्टार पवन सिंह जी भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कराए जल्दी से जल्द। सर मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं ये रिक्स लेना नहीं चाहती हूँ। जो बोल दिया जो बोला मैं भूल गई सब कुछ, बस मैं ये कारण बता रही हूँ पवन सर को कि मैं मिलने आई थी, पर आदमी का डिमांड बहुत है और उसकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ, तो सॉरी मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। आपको फ़ोन पे देख लूँगी, जैसे शुरू से देखती आई हूँ ऐसी देख के मैं खुश रह जाऊँगी आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी की कितनी बड़ी फैन है और ये लगातार रोए जा रही हैं। जैसे कि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम कर करके दिखाइए, ये रोते ही जा रही है लगातार, और चंडीगढ़ से ये चल करके आई है यहाँ पटना में, और आते ही इनको कहा गया कि अगर पावर स्टार पवन सिंह जी से मिलना है तो आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात कितना खराब लग रहा है मुझे बोलते हुए, आपको सुनते हुए ये बात कितना खराब लगता होगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर पावर स्टार पवन सिंह जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या पावर स्टार पवन सिंह के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे आदमी के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मैं चाहूंगा मैम आप पावर स्टार पवन सिंह जी का कोई गाना सुनाइए दो लाइन जी। गाना कैसे गाऊं, मेरी तो आवाज ऐसे भी खराब हो गई है रो के। देखिए मैं गाना तो नहीं गा सकती, पर पवन सर का एक शायरी जरूर सुना सकती हूं। बोलिए शायरी बोलिए या डायलॉग बोलिए कोई सा भी। काहे हसेलु जरूर लाए के रहे, काहे गुनगुनेलु आज गाए के ना रहे, आज आंसू पोछत नहीं एक पर्सन बन के, काहे मोहब्बत कैलो जनी भाई के नारे। क्या आप पावर स्टार पवन सिंह जी से मोहब्बत करती हैं? मोहब्बत में सुना रही हैं? देखिए मैं मोहब्बत नहीं करती, जो मुझे आता था मैंने सुना दिया, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है जो मैं भी आपको सॉन्ग सुना सकूं। अच्छा पावर स्टार पवन सिंह जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो अगर ये वायरल होता है, जो हमारे फैंस है मान लीजिए जो हमारे दर्शक है अगर उस वीडियो को शेयर करते हैं, अगर पावर स्टार पवन सिंह जी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे आदमी को जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? देखिए जो लोग जो अगर कोई लड़की उनकी फैन है, बहुत बड़ी फैन है, अगर वो उनसे मिलना चाहती है, उनसे सेल्फी लेना चाहती है, तो जो उनका जो कहा जाता है कि आपको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तब हम उनसे मिलाएंगे, क्या आप नहीं चाहती हैं कि उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये सब रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मेरी बहुत छोटी फैमिली है और मैं छोटी फैमिली में बहुत खुश हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मतलब ये जो भी है लोग बोल रहे टैटू बनाए इसलिए आगे बढ़ने के लिए, तो मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी, मैं दिल की बहुत साफ हूँ और बहुत बड़ी फैन थी इसलिए मैंने टैटू बनाया, नहीं तो किसी को शौक नहीं होता कि इतना दर्द कोई सहे किसी के लिए भी। अच्छा चलते चलते अपने ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आप लोग हमें देख रहे हो प्लीज़ ये वीडियो कितना शेयर करना, इतना शेयर करना कि हमारे पवन सर हमें देख सकें। अच्छा पावर स्टार पवन जी से आप मिलोगी या नहीं मुंबई जा करके अपने खुद के बदौलत अपने खुद के दम पे? अब देखिए हम मेहनत तो करेंगे, यहाँ से जाने के बाद साल भी लग सकता है, दो भी साल लगता है, तीन भी साल लग सकता है, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तब तक तो हम मिल तो नहीं सकते हैं ना, और तो दूसरे का डिमांड तो आप सुन तो चुके हो, आप दूसरे का डिमांड क्या है और दूसरे का डिमांड पूरा करके हम तो मिल नहीं सकते, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मेहनत करेंगे, दो साल तीन साल बाद जितने साल बाद मिलना होगा मिल लेंगे। तो दोस्तों ये थी पावर स्टार पवन सिंह जी की बहुत बड़ी फैन, और इनके हाथों पे जैसा आप टैटू देख सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं टैटू में भी, और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस टैटू को बनवाने में इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, और उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कीजिए, दोस्तों क्या उनके घर में माँ बहन बेटी है या नहीं है? उन आदमी से मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।